यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को जय भीम। और मुझे यहाँ मौका मिला श्रीमान बड़े बुजुर्गों के साथ प्लस मेरे सभी साथियों के साथ और हमारे मंत्रियों के साथ बोलने का मौका मिल रहा है। आज मैं वास्तव में बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि अपने एक ही भाइयों के विचार में आप आपके सामने रख। सबसे पहला मेरा ये निवेदन है कि ST और SC दो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें आपस में ही कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आपस में कभी कभी फूट सी हो जाती है। मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि ST भाइयों को कभी आपसे अलग न समझे, कभी भी आपसे अलग न समझे। जहाँ जरूरत पड़े ST भाइयों की हम आपके साथ हैं। मैं बेशक यहाँ 2-3-4 लोगों के साथ आया हूँ, लेकिन ऐसा ना सोचें कि हम बिल्कुल अलग हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ कि प्रमोशन की एक लिस्ट आई। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन भगवान सिंह मीना है, लेक्चरर इकोनॉमिक्स से हूँ। और एक एजुकेशन की प्रमोशन की लिस्ट आई। उस प्रमोशन की लिस्ट में ST और SC के जो लोग हैं उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। आप देखेंगे श्रीमान जी, अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से होगा सर जी तो आप उसको समझ जाएंगे कि हमारे प्रमोशन में गिने चुने लोगों के नाम है, जबकि वास्तव में 1300 लोगों की लिस्ट थी और हमारे टोटल उसमें उतने नहीं थे जितने की होने चाहिए। सर जी को मैं आवेदन कर रहा हूं कि इस बात पर आप संज्ञान लें। दूसरा मेरा ये है कि क्या वास्तव में ST और SC के ही दिल्ली के अंदर क्राइम करते हैं? 5 प्रिंसिपल जिनमें से 2 ST के और 3 SC के वही क्राइम में फंसे गए हैं, क्या वास्तव में और कोई नहीं है ऐसा? आप देखेंगे 5 प्रिंसिपल्स जिनमें 3 SC के और 2 ST के हैं, उनको ही किसी न किसी मुकदमे में फंसा दिया। प्लस और जो पेंडिंग मुकदमे हैं वो भी ST और SC के ही साथ है। ऐसा क्यों? क्या वास्तव में हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा? वास्तव में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मैं आप सब लोगों से एक साथ होने की विनम्र विनती करता हूँ।